तो जब से ये लॉकडाउन और पैंडेमिक आया है ना, तो कभी कभी मैं सुबह सुबह उठती हूँ और पूरे जोश में उठती हूँ कि आज जो है ना ये दिन मेरा है और आज जो है मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज भी कर लूंगी एंड वर्कआउट एंड मेरी डाइट एंड मेरा काम, यस आज जो है ना पूरा दिन मेरा है और आज जो है मैं दिन को पूरा हासिल कर लूंगी। एंड कभी कभी जब मैं सुबह उठती हूँ, या सुबह नहीं पूरे दिन में, कभी कभी लगता है यार खुदा ये क्या हो गया मेरे साथ, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये क्या हो गया, सारी दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है, मैं ही यहीं पे हूँ और कब निकल पाएंगे और कहाँ इतना कोरोना फैला हुआ है, और यहाँ मुंबई में तो बस कोरोना ही फैला है, जब से कोरोना आया है बस यार कोरोना ही फैलता जा रहा है, एंड रोना धोना एंड पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो जस्ट इन केस आपके साथ भी ये मूड स्विंग्स होते हैं ना कि कभी कभी तो बहुत जोश आ रहा है सारी दुनिया हासिल करने का, और कभी कभी आपका मूड बहुत ऑफ हो रहा है एंड दिमाग गर्म हो रहा है, इनसिक्योरिटीज हो रही है कि यार करियर का क्या होगा, काम धंधे का क्या होगा, स्पेशली अगर आप अपने घर में एक रिस्पॉन्सिबल पोजिशन पे हैं तो, एंड घर पे अगर आप रहते हैं तो, अगर आप कोई हाउस वाइफ हैं या वर्किंग नहीं है या स्टूडेंट है तो लग रहा है यार मेरी लाइफ के गोल्डन पीरियड जा रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं मिल नहीं पा रहा हूँ या मिल नहीं पा रही हूँ, बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाओ तो इतना ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है, कुछ लोगों के तो और बड़ी प्रॉब्लम, उनको तो खुद कोरोना हुआ हुआ है एंड उनके तो घर में प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, डेथ्स हो चुकी हैं, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आई मीन मेरे तो खुद को हो चुका था कोरोना, आप लोग ने मेरा वीडियो भी देखा होगा, एंड इट वॉज सच अ डिप्रेसिंग फेज के मतलब तब तो लग रहा था यार सारी दुनिया में अकेले मुझे ही कोरोना हुआ है, तो इस तरीके की चीज़ें और इस तरीके का मूड स्विंग और डिप्रेशन और एंग्जाइटी और कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश होना इज कम्प्लीटली नॉर्मल। एंड जस्ट इन केस आप लोगों के और दुनिया के सारे इंस्टाग्राम फोटोज देख रहे हैं एंड फेसबुक पे अपडेट्स देख रहे हैं एंड आपको लग रहा है सारी दुनिया बहुत ज़्यादा खुश है, वो बिल्कुल खुश नहीं है, मेरे और आपकी तरह वो भी, उनके भी मूड स्विंग्स होते हैं, वो भी रोते हैं धोते हैं, वो भी जो है दो दो तीन तीन दिन डिप्रेशन में रहते हैं और मूड खराब रहता है, सो वी आर एब्सोल्युटली नॉट अलोन। एंड जस्ट इन केस ऐसा अगर दुनिया में कोई है, आई मीन ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर अगर दुनिया में ऐसा कोई है ना जो ऐसे माहौल में एब्सोल्युटली खुश रह रहा है और हमेशा उसको कुछ पड़ी नहीं है, बस नाच रहा है, गा रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है, तो शायद उस बंदे में ही या उस बंदी में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे हालात चल रहे हैं इतने लोग कोरोना से मर रहे हैं, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं हमारी कंट्री में, बी इट विद द ऑक्सीजन, और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से लोग इतने ज़्यादा मर गए हैं, एंड जिस हिसाब से लोग दुनिया में बाहर मर रहे हैं, छोटे बच्चे मर रहे हैं ड्यू टू वॉर्स एंड क्राइसिस एंड सो मेनी थिंग्स, अगर आप वो सारी चीज़ें देख के फिर इनडिफरेंट, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो शायद हम में कुछ प्रॉब्लम है, एंड क्योंकि हम में प्रॉब्लम नहीं है इसीलिए ये सारे मूड स्विंग्स होते हैं, और क्योंकि हम में प्रॉब्लम नहीं है, हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अंदर एहसास है, इसीलिए ये सारी जो ऊपर नीचे जो हमारा मूड आजकल ख़राब हो रहा है ना, वो इसीलिए हो रहा है। डू यू नो इंडिया का सुसाइड रेट इन 2019 तक इंडिया का सुसाइड रेट था 10.5 पर लाख, यानी कि हर एक लाख लोगों में से 10.5 लोग जो हैं वो सुसाइड कमिट करते थे, एंड गोइंग फॉरवर्ड टू 2021 के तो आंकड़े अभी आना बाकी हैं, बट 2020 में वो सेम आंकड़ा चला गया टू 17.5, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स से भी ज़्यादा जो है वो आंकड़ा बढ़ गया, क्योंकि ऑब्वियसली हम लॉकडाउन में थे, लोगों के जॉब्स चले गए, लोगों को के खाने की प्रॉब्लम हो गई घर में, कुछ लोगों को घर में बैठे बैठे घर में एंग्जाइटी और डिप्रेशन होने लगा, एंड सुसाइड रेट्स जंप्ड अप वेरी हाई। तो लॉकडाउन के पहले और पैंडेमिक के पहले ना मेरी लाइफ बहुत फिक्स्ड और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन थी, स्पेशली व्हेन इट केम टू माय हेल्थ इन द सेंस माय वेट लॉस रूटीन। आप लोग जो भी मुझे यहां फॉलो करते हैं मेरे चैनल पे, आप जानते होंगे कि मेरा वेट पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, आई वॉज ऑलमोस्ट 110 kgs, एंड मैंने उसके बाद ऑलमोस्ट 40+ kgs अपना वेट लूज किया है, एंड तो जो भी लोग जानते होंगे जो मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैंने डाइट की है एंड एक्सरसाइज की है एंड बहुत डिसिप्लिन के साथ अपना वेट लूज किया है। तो पैंडेमिक के पहले ना मेरी लाइफ बहुत डिसिप्लिन और बहुत फिक्स था, मेरा एक सोने का फिक्स टाइम था, मेरा एक जागने का फिक्स टाइम था, क्योंकि सुबह उठ के फिर ऑफिस जाना होता था, एंड लाइफ पूरी एक टाइम टेबल के हिसाब से चल रही थी एंड सब कुछ बहुत परफेक्ट था। अनफॉर्चुनेटली जैसे ही पैंडेमिक शुरू हुआ पूरा टाइम टेबल तो चला गया डस्टबिन में, एंड साथ में उस टाइम टेबल में नई चीजें ऐड हो गई, गुस्सा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी कि अब क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स।
उसके लिए मैंने सबसे पहला तो सोल्यूशन अपने आप को बहुत मुश्किल से समझाया इज दैट आई नीड टू गो ईजी ऑन माई सेल्फ. अपने आप को थोड़ा सा यू नो आसान ईजी रखिए, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो. अगर आपका कोई हेल्थ गोल है, अगर आपका कोई करियर गोल है, अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है, आपको कहीं बाहर जाना है, आपको शादी करनी है, आपके बच्चे पैदा करने हैं, आपको अपने बच्चों को कहीं बाहर भेजना है, कुछ भी करना है, सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि पूरी दुनिया रुकी हुई और एक एक इंसान रुका हुआ है. तो ऐसे ये टाइम जो है ना, परेशान होने का नहीं है कि हम परेशान हों और अपने आप को जो है पीटे एंड वी आर हार्श ऑन आवरसेल्व्स. ये टाइम ऐसा है कि जहां हम अपने ऊपर हार्श बिल्कुल ना हो, इनफैक्ट थोड़े से इजी हो. तो कभी कभी मूड जब खराब होता है तो मैं अपने ऑफ डाइट चली जाती हूं. कभी जैसे मैं यू नो यूजुअली तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करती हूं, पर कभी कभी जो जब मूड खराब होता है तो मैं बिरयानी भी खा लेती हूं. कभी कभी मूड खराब होता है तो मैं बीच में एक कप ऑफ कॉफी बना के, एक हॉट कॉफी बना के पी लेती हूँ, जो मैं अदरवाइज कभी नहीं पीती थी कि यू नो रैंडमली कभी भी उठ के कॉफी बना लिया. तो दीज डेज आई एम गोइंग अ लिटिल इजी ऑन माई सेल्फ. उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग अ लिटिल इजी ऑन माई सेल्फ, मैंने अपने यू नो लाइफ को, अपने स्केड्यूल्स को थोड़ा आसान लेना शुरू कर दिया, थोड़ा अपने आप को यू नो बहुत ज़्यादा चीज़ों को हैवी लेना बंद कर दिया कि यार यू नो ऐसे होना चाहिए, नहीं ऐसा ही होना चाहिए. थोड़ा सोचा यार जिंदगी थोड़ी आसान कर ली जाए, ऑलरेडी बाहर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं दुनिया में. तब ऐसा हुआ कुछ दिन ऐसे होते थे कि ज़्यादा ही आसान ले लेती थी मैं, और ये सबके साथ होता है. हम कई बार काम नहीं करते या यू नो थोड़ा सा डाइट में चीट कर लेते हैं, तो वो एक चीट नहीं होता, वो चीट पूरा डे हो जाता है एंड फिर वो चीट वीक हो जाता है, फिर वो पूरा हम ऑफ ट्रैक चले जाते हैं. कई बार ऐसा होता है अगर हम सोचते हैं कि यार छोड़ो आज काम थोड़ा इजीली ले लेते हैं, वो फिर वो एक दिन नहीं होता, वो 10 दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं. तो मैंने रियलाइज किया ये चीज होना, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम थोड़ा आराम करने आते हैं ना तो पूरे ही आलसी बन जाते हैं. तो उससे होता क्या है, अगर हम बहुत सारे ज्यादा ब्रेक्स लेंगे, ज्यादा ही यू नो फ्री हो जाएंगे, ज्यादा ही आसानी से चीज़ों को लेने लगेंगे, तो उससे होता ये है कि आपको और ज़्यादा एंग्जाइटी, और ज़्यादा डिप्रेशन होगा, क्योंकि एट द एंड आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो विच यू आर सपोज टू डू. जो भी आपका लाइफ का अल्टीमेट गोल है या आपके घर का गोल है, अगर आपको दिन में जो भी आपका टारगेट है, हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ टारगेट होता ही है, और अगर नहीं भी है पर हर इंसान की लाइफ में यू नो कुछ करने का मोटिवेशन ज़रूर होता है, जिस वजह से हम सुबह उठ के रोज़ यू नो अपना दिन शुरू करते हैं. तो अगर कुछ भी मोटिवेशन है, उस मोटिवेशन की तरफ अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका माइंड और ज़्यादा डीमोटिवेट होगा एंड और ज़्यादा आप डिप्रेशन में जाएंगे. सो मेक श्योर आप अपने आप को थोड़ी सी छूट दे दें, पर बिल्कुल ही फ्री ना हो जाएं कि भाई बैठे हैं एंड बस गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं, क्योंकि वो गप्पे शप्पे एंड वो जो आप ऑफ ट्रैक जाएंगे अपनी डाइट से, वो आपको ज्यादा परेशान करेगा और ज्यादा डिप्रेस करेगा. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपनी फैमिली मेंबर से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से कनेक्ट करिए. प्री पैंडेमिक तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था फ्रेंड से, फैमिली से कनेक्ट करने का. अब अगर किसी के पास टाइम है जहां आप अपने फ्रेंड से, फैमिली से कनेक्ट कर सकते हैं, तो प्लीज डू कनेक्ट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. उनकी बातें सुनिए, उनकी प्रॉब्लम सुनिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें करिए. आप उनसे अच्छी अच्छी बातें सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा. तो मैं ये यूजुअली करती हूँ, एट टाइम्स आई कॉल माई फ्रेंड्स ऑन वीडियो और माई रिलेटिव ऑन वीडियो, एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने लोगों से एंड अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से थोड़ा सा कनेक्टेड रहें. यू नो बुढ़ापे में लोगों की याददाश्त अक्सर कमज़ोर हो जाती है, कुछ लोगों को तो अल्जाइमर्स भी हो जाता है. क्या आप जानते हैं इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि ह्यूमन ब्रेन जो है इज़ डिज़ाइन टू लर्न समथिंग न्यू. अगर आप ह्यूमन ब्रेन, जैसे ह्यूमन ब्रेन का आपका साइज़ है फॉर एग्जाम्पल, इतना बड़ा आपका ह्यूमन ब्रेन है, अगर आप इसे कुछ नया फीड करते रहेंगे तो ये वैसा ही रहेगा. अगर आप इसमें कुछ नया फीड नहीं करेंगे, कोई नई चीज़ नहीं सीखेंगे ना, तो सिकुड़ता जाएगा. यस, ह्यूमन ब्रेन सिकुड़ता है, ह्यूमन ब्रेन छोटा होता है. तो खास करके बुढ़ापे में, जब एक सर्टेन एज के बाद इंसान सीखना छोड़ देता है, इंसान नई चीजें करना छोड़ देता है, तो दैट इज द रीजन उसकी याददाश्त कमजोर होती है, दैट इज द रीजन उसे अल्जाइमर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं. इसीलिए जो लोग बुढ़ापे तक भी ऑफिस जाते हैं एंड जो लोग यू नो रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव रहते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलते रहते हैं और उनकी सोशल गैदरिंग होती रहती है, कुछ कुछ नया वो करते रहते हैं, उनकी याददाश्त मोस्टली इंटैक्ट रहती है. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सीखना बंद कर देते हैं, वो घर ही घर में रहते हैं,
बाहर नहीं निकलते, लोगों से मिलते नहीं है, तो उससे होता ये है उनके ब्रेन का साइज छोटा होता रहता है एंड फिर उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उनके अंदर डिप्रेशन होता है। सो जैसे मैंने इसके पहले वाले पॉइंट में बताया, यू नीड टू कोलैबोरेट, आपको कुछ नई चीज़ें करनी चाहिए, तो वैसे ही सिमिलरली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ नया सीखें ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। तो अगर आप रोज़ कुछ नया नहीं सीखेंगे, चलिए रोज़ नहीं सीखें तो वीक में एक बार आप कोई नई चीज़, कोई नई टेक्नोलॉजी, कुछ नया, कोई नई रेसिपी सीख लीजिए फॉर दैट मैटर। अगर आप कुछ नया नहीं सीखेंगे, आपके ब्रेन का साइज छोटा होगा, वो आपको और डिप्रेस करेगा, आपको और एंग्शियस करेगा, आपको और ज़्यादा परेशान करेगा। सो इन दीज टाइम्स प्लीज़ मेक श्योर यू लर्न समथिंग न्यू। हम जो सोशल मीडिया को पूरे दिन स्क्रोल करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए, आप वहीं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चीज़ मैंने एक रियलाइज़ की है और ये शेयर करना मेरे लिए आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स को कवर कर देता है। इसकी इन टाइम्स पे जहाँ दुनिया के ऐसे हाल हैं, हमारे मूड इतने ख़राब रहते हैं, हम इतने ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं, ऐसे टाइम्स पे ये सोचना कि हमारे अंदर से कोई मोटिवेशन आएगा और हम रोज़ सुबह उठ के हमारे अंदर कोई चीज़, कोई जज्बात जगाएगी जिससे हम पूरे दिन की शुरुआत कर लेंगे एंड सब कुछ हासिल कर लेंगे, वो जो मोटिवेशन चीज़ है ना, उस चीज़ को इस टाइम पे अपने आप से डिमांड करना बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ी डिमांड कर रहे हैं आप अपने आप से अगर आप मोटिवेशन सोच रहे हैं आपके अंदर से आएगा, क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं कि आप सुबह उठ के मोटिवेटेड रहेंगे, बहुत कम चांसेस हैं कि आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा और आप दुनिया हासिल करने के लिए और कुछ करने के लिए ना सुबह सुबह उठेंगे, बहुत 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 कम चांसेस हैं। सो ऐसे टाइम्स पे द थिंग इज़ टू रिलाई ऑन डिसिप्लिन। ये टाइम और ये समय ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप मोटिवेशन पे डिपेंडेंट रहें, ये टाइम ऐसा है कि आपको डिसिप्लिन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। सुबह उठ के अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है एंड आप सोचेंगे कि मेरा जो है मूड होगा कि मैं जैसे ही मेरी आँख खुलेगी मैं वर्कआउट क्लोथ्स पहन के एक्सरसाइज करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। आपकी जैसी ही आँख खुलेगी आप सोचेंगे क्या फ़ायदा वर्कआउट करके यार, छोड़ो इससे अच्छा दो घंटे और सो जाते हैं, आपका ये मन करेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये मेरे साथ भी होता है। तो ऐसे टाइम पे आप मोटिवेशन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ऐसे टाइम पे आपको डिसिप्लिन पे डिपेंडेंट रहना है कि कोई चीज़ करनी है तो करनी है। ये एक रूल है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक्सरसाइज करना है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड मुझे सुबह उठ के करना ही पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा एंड रोज़ एज अ डिसिप्लिन आपको अपनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आप हेल्दी ईटिंग पे फोकस कर रहे हैं, अगर आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, आप सोचेंगे कि आज मैं काम में ये 10 असाइनमेंट पूरे कर लूँगा या कर लूंगी एंड मैं आज कर ही लूंगी, वो नहीं आने वाला। आपको विद डिसिप्लिन अपने आप को धक्का मार के थोड़ा फोर्स करके आपको ये काम करना पड़ेगा। इवन इफ यू आर अ हाउसवाइफ या आप घर पे कुछ काम करते हैं, आपको लगेगा कि आज मैं जो हूं ना ये कर दूंगी घर पे और वो कर दूंगी और पूरा घर साफ सफाई कर दूंगी, अंदर से मेरे आएगा कुछ ही नहीं आने वाला, आपको लगेगा यार घर पे बैठे हैं बस यही किए जा रहे हैं यही किए जा रहे हैं। नो, वो अंदर से नहीं आपको आने वाला, आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा, अपने आप को धक्का मारना पड़ेगा, नहीं यार ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डिसिप्लिन से आपको पीछे नहीं हटना है। और जब आप डिसिप्लिन से अपना वो काम करेंगे जो मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मोटिवेशन, अच्छा मूड, अच्छी सी स्माइल आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको किसी चीज़ पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो डोंट डिपेंड ऑन मोटिवेशन, प्लीज़ डिपेंड ऑन योर डिसिप्लिन। So this was my first video on mental health. अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, so please do not forget to like my video and do not forget to subscribe to my channel and do not forget to smile today. Thank you so much. I love you all. Hope you all have a wonderful day.